ओके, कैनॉट के एफिशिएंसी तक ही दिया है, उसके बाद इलेक्शन फिनिश होता है यहाँ पर। ओके, तो देख लो, इन शॉर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर जिस जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, ओके, वो तो मैं डाल दूंगा क्लासरूम के ऊपर। अगर जिन जिन को व्हाट्सएप के ऊपर चाहिए वो मुझे मैसेज कर देना, अभी मैं सेंड कर देता हूँ। ओके, थर्मोडायनेमिक्स का एंड देन नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स का, ओके, एंड स्केलर्स एंड वेक्टर, एंड देन नेक्स्ट मेजरमेंट्स का भी। ओके, देखो यहाँ पर स्पेसिफिक हिट दिया है। ओके, स्पेसिफिक हिट के लिए भी आपको वहाँ पर एक फॉर्मूला भी डिराइव करके दिया है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ओके, देखो इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ में ऋषिकेश सर को सेंड कर दूंगा। ऋषिकेश सर को मैसेज करो आप, फिर सर आपको सेंड कर देंगे। ओके, ओके देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक दिया, एक बार इसे रीड कर लो। ओके, कुछ नए टर्म्स आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। ओके, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अगर आपने स्टेटमेंट भी राइट किया, ओके, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, वो स्टेटमेंट राइट करो, एंड देन नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ओके, उसके नीचे एक इक्वेशन राइट करो, एंड देन नेक्स्ट एक स्टेटमेंट राइट करने का, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्जेंट। बस इतना भी राइट किया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या है, हीट सप्लाइड है, देन डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, डेल्टा यू क्या दिया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे दिया है। ओके, इतना सारा कुछ आपको वहां पर राइट करने की जरूरत नहीं रहती। तो देखो इतने सारे आपको पॉइंट्स इसके अंदर कन्वर्ट कवर करने पड़ेंगे। देखो सिद्ध श्रीवास्तव, क्या पूछे आपने, जस्ट अ सेकेंड आदित्य, माइक्रोफोन बंद सर, करो। वी हैव टू नॉट राइट टू लॉज एंड डेफिनेशन। ओके, सो देखो लॉज एंड डेफिनेशन जो है आपको राइट करने पड़ेंगे। ओके, तो देखो आपके स्क्रीन के ऊपर फिलहाल आपको हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर एक उसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कुछ वाटर आपको दिया है, और वाटर को क्या कर रहे हो आप, हीट कर रहे हो। ओके, सो देखो एक बेसिक प्रॉपर्टी है, किसी भी लिक्विड को अगर आप हीट करते हो, ओके, तो हीट करने का जो लिक्विड क्या करता है, उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, तो मीन्स वहां पर जो वाटर है, वाटर का जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन किसके अंदर स्टार्ट होना स्टार्ट करता है, स्टीम के अंदर, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज इंक्रीज होता है। ओके, सो देखो अब ये जो वाटर है, वाटर को हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया तो इसका क्या है, वाटर का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने का दो एक ऐसे पोजिशन पर पहुंच जाएगा जहाँ से वो उसका कन्वर्जन स्टार्ट करेगा। ओके, तो कन्वर्जन अगर स्टार्ट करता है तो उसका ऊपर का जो पार्ट रहेगा, वो पार्ट क्या होगा, स्लाइड होता हुआ आपको ऊपर ऊपर स्लाइड होता हुआ दिखाई देगा। ओके, इसका अगर बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है, आपके जो किचन रहता है, ओके, किचन के अंदर अगर आपने
वाटर अगर आपने गर्म करने को गैस के ऊपर रखा है ओके, और उसके ऊपर अगर आपने कोई प्लेट रखी है ओके, वो प्लेट क्या हो जाती है कुछ समय के बाद अपने आप साइड में हो जाती है ओके, सो वहां पर क्या होता है वाटर का एक्सपांशन हो जाता है ओके, मीन्स वाटर एक्सपांड होता है, उसका वॉल्यूम एक्सपांड होता है, सो वो जो फोर्स है तो फोर्स क्या करता है प्लेट को मूव करता है ओके स्लाइडली ओके, तो वो फिनोमेनन भी हम देखने वाले हैं हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क के अंदर ओके। एंड जरत लॉ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो देखो इस तरह से ये सारे सारे पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, सो यहाँ पर आपको पॉइंट दिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको इसके अंदर देखने हैं। सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम देने के, जरत लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट एनर्जी एंड वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स ओके, देन नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हीट इंजिन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, देन नेक्स्ट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, देन नेक्स्ट कैरनॉट इंजन ओके। सो इतने सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ओके। सो देखो इसे हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ओके, डीपली वन बाय वन पॉइंट्स हम इसके देखेंगे। कल जो मैंने होमवर्क दिया था ओके, होमवर्क के अंदर किसी को डाउट है क्या? होमवर्क के अंदर किसी को डाउट है क्या? न्यूमेरिकल जो है उसको न्यूमेरिकल 6 न्यूमेरिकल आपको देने वाला हूँ मैं वर्कशीट के अंदर, वो मैं आज आपको सेंड कर दूंगा ओके। किसने स्टार्ट किया है क्या वर्कशीट सॉल्व करना स्टार्ट किया है असाइनमेंट? ओके थ्योरी स्टार्ट करना है ओके, न्यूमेरिकल फिलहाल मैंने आपको दिया नहीं है, और थ्योरी का जो वर्कशीट है ओके, थ्योरी का जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट आप कब तक सेंड करने वाले हो? आई थिंक ट्यूजडे तक ओके, ट्यूजडे तक का समय मैंने आपको दिया है ओके, सो टिल द ट्यूजडे इवनिंग ओके आप सभी का मुझे सेंड होना चाहिए ओके। ओके गुड स्टार्टेड गुड। तो देखो आपको जो पॉइंट्स रहेंगे थ्योरी के वही पॉइंट्स आपको उस लेसन के लिए करने पड़ेंगे ओके, अगर उतने पॉइंट्स भी अगर उतने क्वेश्चन भी अगर आप करते हो तो उस चैप्टर के लिए सफिशिएंट हो जाएगा आपका ओके। जस्ट अ सेकेंड, तो देखो कौन कौन से पॉइंट्स हमें इस लेसन के अंदर देखने, वो हमने देख लिया है ओके, एक इंट्रोडक्शन हमने शॉर्ट में ले लिया है इस लेसन का ओके। अब देखो कैनॉट साइकिल है, कैनॉट इंजन है, इसके जो डेरिवेशन का जो फॉर्मूला है बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है ओके, वो भी हम डिराइव करेंगे। तो आज से हम फिजिक्स 2 स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स 1 के अंदर हमने 3 लेसन कवर किए है ओके, फिजिक्स 1 के अंदर आपके 3 लेसन कवर हो चुके हैं, फिजिक्स 2 हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं ओके। फिजिक्स 2 के अंदर हम सबसे पहला जो लेसन है फर्स्ट लेसन जो है वो थर्मोडायनामिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ओके। तो कल से सभी स्टूडेंट इसके लेक्चर्स अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे आज के लेक्चर में नए दिख रहे हैं ओके, न्यू स्टूडेंट्स मुझे आज ज्यादा शो हो रहे हैं ओके, तो कल से सभी रेगुलरली लेक्चर अटेंड करो। थर्मोडायनेमिक्स आपका नया लेसन स्टार्ट किया है, फिजिक्स 2 का है, तो रेगुलरली लेक्चर अटेंड करना है ताकि आपके जो डेली के जो पॉइंट्स रहेंगे वो पॉइंट्स आपके डेली कवर होते जाएंगे ओके। स्केलर्स और वेक्टर्स के ऊपर हमें टेस्ट लेनी है, कब लेनी है टेस्ट? थ्योरी टेस्ट होगा आपका, एमसीक्यू टाइप में होगा ओके।
हाँ एक डेट बोलो स्केलर्स एंड वेक्टर की टेस्ट के लिए, कब लेंगे? आपका फिलहाल कोई टेस्ट है क्या? इज देर एनी टेस्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट? फिलहाल आपका कुछ टेस्ट है क्या अगले आने वाले कुछ दिनों में? संडे को बायो का है सर। संडे को बायो का है, ओके। तो ठीक है, बायो के टेस्ट के बाद ही रखेंगे हम, ओके। संडे मीन्स आज है क्या? उसके बाद में आज मंडे शायद सर। उसके बाद में M2 का भी बचा है क्या सर? मैथ सेकंड का ही बचा सर उनका, उसके बाद में। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, इस संडे को बायो को लेने दो, ओके। देन नेक्स्ट संडे अगर सर मैथ का लेते तो अच्छा है, मैथ का लेने दो, नहीं तो हम फिर इसका रख देंगे, इसके लिए सेनेटर्स का, सर दो डबल टेस्ट ओके। नहीं तो हाँ वैसा करेंगे, क्योंकि देखो अब मुझे स्केलर्स एंड वेक्टर के लिए टेस्ट लेना है, देन नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स वो भी लेसन कंप्लीट हो चुका है, ओके। नहीं तो फिर दोनों का कंबाइन रखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड देन नेक्स्ट स्केलर्स एंड वेक्टर, दोनों का मिलकर टेस्ट रखेंगे, 50 मार्क्स का रखेंगे शायद, वैसा भी कर सकते हैं हम। ओके, तो हो सकता है कि आपके दोनों के टेस्ट एक ही साथ हो, 50 मार्क्स का हो, थ्योरी हो, तो आप दोनों चैप्टर के प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखो, इस संडे को नहीं होगा, नेक्स्ट संडे को होगा, ओके। तो यानी कि आपके पास अभी 15 डेज बाकी है, ओके, आज से लेकर प्रिपरेशन के लिए, ओके। तो दोनों चैप्टर का प्रिपरेशन स्टार्ट रखो, दोनों ही चैप्टर के हम थ्योरी क्वेश्चंस ले लेंगे, ओके। और आपको जो असाइनमेंट मैंने थर्ड दिया, असाइनमेंट नंबर थर्ड आपको ट्यूजडे तक सेंड करना है, उसके जो न्यूमेरिकल रहेंगे न्यूमेरिकल आपको थर्ड डे तक सेंड करना है, ओके। न्यूमेरिकल मैं आपको आज सेंड कर दूंगा क्लासरूम के ऊपर, और ये जो थर्मोडायनेमिक्स जो लेसन हमने स्टार्ट किया है, थर्मोडायनेमिक्स लेसन आपका अगले आने वाले 1 वीक के अंदर थ्योरी पार्ट का कवर हो जाएगा, ओके। थ्योरी पार्ट 1 वीक के अंदर कवर हो जाएगा, देन नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, न्यूमेरिकल के लिए 1 वीक लगेगा, ओके। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके, तो ठीक है आप दोनों लेसन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स एंड देन नेक्स्ट स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ओके। दोनों का भी थ्योरी के ऊपर हम टेस्ट ले लेंगे, ओके, नेक्स्ट संडे को, नेक्स्ट के नेक्स्ट संडे को, ओके। और कल के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स लेसन डिटेल में स्टार्ट करने वाले, ओके, पॉइंट बाय पॉइंट, ओके, वन बाय वन, ठीक है सर। आपको अटेंडेंस लेना है क्या इनका? बहुत सारे बच्चे ऐसे है जिनका चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मिस हुआ है, ओके, मींस मेजरमेंट मिस हुआ है, देन स्केलर्स एंड वेक्टर्स मिस हुआ है, और कुछ का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी मिस हुआ है, ओके। तो तीनों लेसन मैं रिपीट करने वाला हूँ, एक बार मैं सर से डिस्कस करता हूँ कहाँ पर रिपीट करने हैं, ओके। तो मे बी अगले आने वाले 4-5 दिन के अंदर स्टार्ट कर देंगे हम एक्स्ट्रा लेक्चर्स में, ओके, जो कि शाम इवनिंग में रहेगा आपका, ओके, इवनिंग में लेक्चर रहेगा आपका, एक बार मैं सर से डिस्कस करता हूँ, ओके, और वहाँ पर हम वो ले लेंगे, ओके, तीनों लेसन रिपीट हो जाएंगे, और रेगुलर में सुबह के सेशन में हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स लेसन भी स्टार्ट रहेगा, ओके। और आपका जो पॉइंट बाकी डायमेंशन एनालिसिस हो तब उस लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगा, ओके। ओके ठीक है सर, हुआ है क्या सर आपका अटेंडेंस? हाँ सर, ठीक है सर, तो फिर लीव करता फिर आज के लिए मैं, कल सुबह 6 बजे स्टार्ट करेंगे, सभी स्टूडेंट अटेंड करना आज, जितनी स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रही है, ओके सर। आज की जो अटेंडेंस है मुझे भी सेंड कर दो,
24 स्टूडेंट है, ओके, मींस दो स्टाफ है 22 है, ओके, सो कल के लेक्चर में इतने ही 22 दिखने चाहिए थर्मोडायनेमिक्स के लिए, ओके, कल के लिए मुझे इतने ही अटेंडेंस चाहिए, ओके, कोई भी मिस नहीं करेगा कल से लेक्चर, ओके, क्योंकि कल से मैं न्यू लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, इसलिए कल से कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेगा, ओके, ठीक है सर, लीव करता हूँ फिर, ओके सर, ओके, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे.